इंदौर की छावनी अनाज मंडी में सोयाबीन की उपज के दाम अचानक गिराने से किसान भड़क उठे। गुस्साए किसानों ने सोमवार दोपहर मंडी बंद करके व्यापारियों के प्रति विरोध प्रकट किया। बाद में मंडी अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों को समझाकर सोयाबीन की नीलामी शुरू कराई। इस घटनाक्रम से एक बार फिर यह सामने आया है कि किसानों को अपनी उपज के उचित दाम हासिल करने के लिए मंडी में संघर्ष करना अभी भी पड़ता है। सोमवार को किसानों के विरोध और हंगामे का असर यह रहा कि पहले जो सोयाबीन 4,000 रुपये क्विंटल बिकी थी, 3 घंटे बाद व्यापारियों ने वही सोयाबीन 5,000 रुपये में खरीदी। वहीं जिन किसानों का माल 3,500-3,600 रुपये के भाव में नीलाम हुआ था, वही बाद में 4,000 और इससे ऊपर के भाव में भी बिका। सोमवार को मंडी में 4,000 बोरे सोयाबीन की आवक दर्ज की गई थी। सुबह 12 बजे से पहले तक तो मंडी में सोयाबीन का भाव 6,000-7,000 रुपये क्विंटल तक ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद व्यापारियों ने भाव गिराना शुरू कर दिए। उसी गुणवत्ता की सोयाबीन का भाव 3,500 से लेकर 4,000 रुपये तक कर दिया। किसानों ने चलती नीलामी के दौरान इसका विरोध किया तो व्यापारियों ने बोलती बंद कर दी। किसानों ने भी मंडी के गेट बंद कर नीलामी रुकवा दी। खबर लगते ही मंडी सचिव और अन्य कर्मचारी पहुंचे। कंपेल के किसान ने बताया कि मंडी में व्यापारी किसानों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यदि जिस सोयाबीन के भाव 6,000 रुपये मिलने चाहिए, यदि उसी के भाव 4,000 रुपये मिलेंगे तो किसान तो मर ही जाएगा। मंडी सचिव ने व्यापारियों और किसानों से चर्चा की। व्यापारियों का कहना था कि किसानों का माल गीला आ रहा है, अधिक नमी के कारण भाव कम करने पड़े। वहीं किसानों का तर्क है कि जब DOC और तेल के भाव बढ़ रहे हैं तो सोयाबीन उपज के दाम कैसे कम हो सकते हैं। व्यापारियों के मुताबिक किसानों के सोयाबीन में 30 से लेकर 50% तक की नमी आ रही है। बहरहाल मंडी सचिव ने दोनों पक्षों को समझाने के बाद दोपहर 3:30 बजे के बाद दोबारा नीलामी शुरू कराई। दोबारा नीलामी में व्यापारियों ने भाव में कुछ सुधार किए। किसानों को सोयाबीन के दाम सही दिलाए जा रहे हैं। छावनी मंडी में किसानों ने कम भाव को लेकर विरोध किया, लेकिन कई किसानों का माल गीला आ रहा है। किसानों को ये भी समझाया गया कि अगर वे उपज सुखा कर लाएंगे तो उनको भाव सही मिलेगा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।